बच्चा तो जब बच्चे के दर्जन जाके सब जगह घूमते घूमते मिलते हैं, और जब ब्रह्मा बाबा था वो खाई मोहन में रहता था, सब वहाँ जाके देखते थे। वो तो माता जी था, माता का भावना रहना था और वो तो दूसरों को जाके देखते था, मगर यहाँ तो ऐसा नहीं होता था। पिताजी सब जगह जाता है, माता जी तो वहाँ ही रहता था और सब वहाँ जाके मिलता था। उसका कुछ माँ तो घर में रहती है और बाप तो बाहर जाता है। दुनिया में जो परंपराएं चल रही हैं कि माँ घर संभालती है और बाप बाहर संभालता है, दुनिया में परंपरा कहाँ से चली है? यहीं से तो चली है। बाबा संगम में जब स्वर्णिम युग आता है तो हमारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। संगम युग में जब जब स्वर्णिम युग आता है हाँ। तो हमारे कर्म अकर्म बन जाते हैं हाँ जी। तो पुरुषोत्तम संगम युग तो 76 स्वर्णिम संगम युग कब आता है? सोने का युग एक होता है, सोने का युग एक है, कॉपर का युग, चांदी का युग और लोहे का युग। ज्यादा वैल्यूबल युग कौन सा है? सोने का। सोने का माना सच्चाई का। तो जब सच्चाई कब आएगी? जब सारी कट उतर जाएगी तो सच्चाई आ जाएगी। अभी कट बढ़ी हुई है तो सच्चाई कहाँ है? वही किसने बोला है, जगदम्बा का पार आदि में भी मध्य में भी और अंत में भी है, सत्युग त्रेता में नहीं है, द्वापर कलयुग में पार्ट है, इसलिए मिस वर्ड गाया है। द्वापर कलयुग में जगदम्बा का पार्ट है हाँ, सत्युग त्रेता में नहीं, द्वापर कलयुग में पार्ट है, इसलिए मिस वर्ड गाया है। द्वापर कलयुग में जगदम्बा का पार्ट है हाँ, द्वापर कलयुग में हाँ, ब्रह्मा विष्णु जगदम्बा कहाँ के पार्ट है? संगम युग के पार्ट है। द्वापर कलयुग में कहाँ से आ गए? अभी देवता तो एनक्रोस देवता तो सत्यु का त्रेता में आता है। नहीं, 33 करोड़ देवताएं टोटल है जो कलयुग के अंत तक उतरते हैं। ठीक है, 10 करोड़ तो सत्यु का 10 करोड़ आते हैं त्रेता के अंत तक। ठीक है, और दो आते हैं द्वापर द्वापर कलयुग में जो आते हैं द्वापर कलयुग में जो आते हैं 23 करोड़ और उसमें और जो प्रजा में उनमें क्या फर्क है? तो सत्युग में आते हैं वो तो सम्युग बाबा से मिला है इसलिए वो तो सत्युग और त्रेता में आते हैं, मगर जो कुछ द्वापर और कलयुग में आते हैं और प्रजा में उसमें क्या फर्क होता है? क्यों देवता वहाँ आते हैं, प्रजा का क्या डिफरेंस है? सत्युग त्रेता में 21 जन्मों की प्राप्ति करने वाले हैं वो डायरेक्ट बाप से प्राप्ति करने वाले हैं, और जो प्राप्ति करने वाले हैं उनसे जिन्होंने प्राप्ति की है वो द्वापर कलयुग में। अब उसमें जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वो राजघराने में आते हैं, नंबरवार पद पाते हैं, और जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है परंतु जो पुरुषार्थ करने वाले हैं उनको फॉलो किया है इसलिए वो प्रजा में आ जाते हैं। पवित्रता को धारण करने की बात है, पवित्रता के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं वो पद प्राप्त करते हैं, प्रजावर्ग की आत्माएं कोई पुरुषार्थ नहीं करती पवित्रता का, सिर्फ संदेश लेती है और सच्चाई से चलती है। और सेतु समुद्र के प्रोजेक्ट है ना, सेतु समुद्र अभी जो इश्यू चल रहा है सेतु समुद्र हाँ रामेश्वरम में हाँ जी हाँ जी, तो क्या वो राम की आत्मा ने बनाया है ऐसा क्वेश्चन हो रहा है जो भी यादगारें बनी हुई हैं, चाहे पुराने पुराने मंदिर बने हुए हैं या राम सेतु बना हुआ है,
वो सिर्फ प्राकृतिक रूप से ऐसा ड्रामा में नूद है कि वो बना हुआ है, बाकी ऐसे नहीं है कि वो राम ने बनाया था त्रेता युग में। ये तो यहाँ की यादगार बनी हुई है। यहाँ जो अभी एडवांस में और बेसिक नॉलेज में जो संघर्ष चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, वो वहाँ राम सेतु के रूप में दिखाया गया है। जैसे राम सेतु के लिए ये गायन है कि दो बंदर थे जिनके हाथों से तैराए हुए पत्थर पानी में ऊपर तैरते रहते थे, डूबते नहीं थे। अब पत्थर तो भारी होता है, डूबेगा कैसे नहीं। लेकिन ये ईश्वरीय ज्ञान जिनको मिलता है रामकृष्ण की आत्माओं के थ्रू, वो बहुत हल्के हल्के रहते हैं, पत्थर बुद्धि फिर भी हल्कापन महसूस करते हैं और वो सागर में तैरते रहते हैं। है ये दुनिया विषय सागर, विषय सागर में डूबते नहीं है। वो राम सेतु का जो गायन है कि एक तरफ से राम संप्रदाय से लेकर के रावण संप्रदाय तक पुल बांधा गया, वो अभी पुल ज्ञान रत्नों का बंध रहा है, बंध चुका है। ऐसी ऐसी हल्की बुद्धि आत्माएं हैं जो इधर से ज्ञान उठा करके सारा ज्ञान उधर दे देती है, इधर से उधर का, उधर का इधर से कनेक्शन बना रहता है। उसमें दो संप्रदाय हैं, रावण संप्रदाय वाले चाहते हैं ये सेतु न बने, न होता तो अच्छा होता, इसका कनेक्शन होने से हमारे सारे जिज्ञासु टूट रहे हैं। और राम संप्रदाय वाले क्या चाहते हैं, ये राम सेतु बना रहे, बना रहेगा तो ईश्वरीय ज्ञान सारा ही रावण संप्रदाय में पहुंचेगा, सारी दुनिया रावण संप्रदाय से राम संप्रदाय बनेगी। अभी की सारी बातें, सूक्ष्म बातें भक्ति मार्ग में स्थूल रूप में दिखाई दी गई। मोर और बैल खूबसूरती होते हैं, उनका गर्भ आंसू से रह जाता है, उनको नेशनल बर्ड कहते हैं। आप एक बार पढ़ लिया करिए, फिर बताइए क्या कहते हैं। मोर और बैल, मोर और बैल बैल, हाँ, मोर और मोरनी, मोरनी, हाँ जी, खूबसूरती होती है, उसका गर्भ आंसू से रह जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए उनको नेशनल बर्ड कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये कलयुग के भारत एक नेशन है और उसके मुकाबले विदेश भी नेशन है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर माना जाता है। उसका मूल कारण ये है कि भारत में ऐसी उड़ान मोड़ते हैं याद की यात्रा की कि उस ऊंची उड़ान में देहभान खलास हो जाता है। जो देहभान खलास होता है तो प्योरिटी आ जाती है, मोर पक्षी में ही ऐसी प्योरिटी है। जो भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा नहीं करता, श्रेष्ठ इंद्रियों से संतान पैदा होती है। और दुनिया में कोई भी आज कलयुग के अंत में ऐसे पशु पक्षी नहीं बचे हैं या मनुष्य नहीं बचे हैं जो भ्रष्ट न बन पड़े हो, भ्रष्ट आचरण करने वाले न बन पड़े हो। मोर का मिसाल दिया हुआ है, मोर का पंख कृष्ण के मस्तक पर लगाया जाता है, माना उनकी बुद्धि पवित्र बुद्धि है, अपवित्रता उसमें समाय नहीं सकती, इसलिए मोर पंख दिखाते हैं।
ये इशारा है कि नई दुनिया जो होगी शुरुआत, उसमें वाइब्रेशन से पैदाइश होगी। बुद्धि इतनी पवित्र हो जाएगी कि बुद्धि का ही संसर्ग संपर्क होगा, कर्मेंद्रियों का संपर्क ही नहीं होगा, संबंध ही नहीं जुटेगा। ऐसे ऐसे मिसाल समझाने के लिए आज की दुनिया मिल रहे हैं। और कृष्ण तो संगम सतयुग का कृष्ण तो 2018 में वध करने आया, और अपना सतयुग तो 2036 में आने वाला ऐसा सो गया आसपास में। तब तो जब 2018 में सब सतयुग का कृष्ण आएगा तो लक्ष्मी नारायण तो आने का होगा ना, और 2036 तक चलता हुए तो प्रजापिता का क्या है, विश्व पिता विश्व माता रहने का है। तब तो यही टाइम में दोनों रहेगा क्या, लक्ष्मी नारायण भी रहेगा और विश्व पिता और विश्व माता दोनों पाठ चलते रहेगा क्या? नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, और शंकर को विश्व पिता कहा गया है। नेक्स्ट टू गॉड इज लक्ष्मी नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज श्री कृष्ण, और नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो ये चारों ही नाम जो है वो एक ही व्यक्तित्व के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं या अलग अलग पर्सनालिटीज हैं? बस लक्ष्मी नारायण है संपन्नता की स्टेज, शंकर का जो स्वरूप दिखाया गया है याद की स्टेज में वो पुरुषार्थ का रूप दिखाया गया है। संपन्न नहीं है शंकर, माने ही मिक्स प्योर नहीं है, रजो प्रधानता भी है, सात्विकता भी है और तामसी भी है। तामसी न हो तो शंकर द्वारा विनाश न गाया जाए। बाकी अपने अपने देखने का नजरिया है। एक ही व्यक्ति किसी को तमो प्रधान दिखाई पड़ता है, दुखदाई दिखाई पड़ता है, दुखदाई महसूस होता है, और वो ही व्यक्ति दूसरे को सुखदाई महसूस होता है। डबल पार्ट है। ये यज्ञ कराची से आदि में शुरू हुआ था, अभी तो कराची में इतना खून खराबा हो रहा है, है? कराची से शुरू हुआ, कराची से शुरू हुआ हाँ, लेकिन अभी कराची में इतना खून खराबा हो रहा है, इसका कारण क्या है? कराची से तो यज्ञ नहीं शुरू हुआ, यज्ञ कहते हैं ज्ञान यज्ञ को। ज्ञान का बीज रोपण कराची से हुआ, कराची है पश्चिम में और कलकत्ता है पूरब में। ज्ञान का बीज रोपण कहाँ हुआ? कराची से क्या सैंपल का, हेवन का सैंपल हुआ ना? है स्वर्ग का मॉडल, हाँ स्वर्ग का सैंपल बना, लेकिन सैंपल अलग चीज होती है, सैंपल तो जड़ होता है, और जो असली स्वर्ग है वो तो चैतन्य है। जो सैंपल बना है उसकी यादगार अजमेर में दिखाई गई है। अजमेर में मुसलमानों का तीर्थ स्थान माना जाता है। वो कारीगर है जड़ बनाने वाले, और जो असली कारीगर है वो जड़ चीज नहीं बनाता है, असली चीज बनाता है। कराची से ज्ञान यज्ञ का फाउंडेशन नहीं पड़ता, उसका फाउंडेशन पड़ता है कलकत्ते से। पूरब से लेकर के पश्चिम तक वो ज्ञान फैलता है। शुरू
शुरुआत है पूरब। सूरज कहाँ से निकलता है? रोशनी का आगार कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। और कहाँ तक जाता है? पश्चिम तक जाता है। जो रोशनी है वो पश्चिम में बाद में क्यों जाती है? पूरब में पहले पहले भारत में क्यों? क्योंकि भारत में पहले भगवान आता है और पश्चिमी देशों तक अंत में वो रोशनी जाती है। जब 500 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब, चाहे पूर्वी देश की हो चाहे पश्चिमी देश की हो, सब भगवान को पहचान लेती है, तब दुनिया का विनाश होता है। कराची में जो बम फटा है ना, उसका और इसका क्या है? एक नेता जो स्वर्ग का मठ बना है कराची में, बम फटा तो एक आरत में जो कुछ हुआ इसका कुछ? तो कराची में, बम्बई में, हैदराबाद में बम तो फटते रहते हैं, सारी दुनिया में फटेंगे। ज्ञान से उसका कुछ कराची जो थी वो पहले थी मुसलमानों की पाकिस्तान की राजधानी, बाद में इस्लामाबाद बनी। पाकिस्तान की राजधानी आसुरी संस्कृत की राजधानी है। और जो लड़ाई की शुरुआत होगी वो भी कहाँ से होती है? असुरों से लड़ाई शुरू होती है या देवताओं से लड़ाई शुरू होती है? लड़ाई का बीज कौन डालते हैं? जो लड़ाई का बीज डालते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा फिर लड़ाई का मुकाबला भी करना पड़ता है। उनकी समझ ये थी कि हम आतंकवाद को शरण देंगे तो हिंदुस्तान को हम कब्जे में कर लेंगे, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आतंकवाद सिर्फ हिंदुस्तान के लिए खतरनाक नहीं है, हमारे देश के लिए भी खतरनाक हो जाएगा और वो उन्हीं को नुकसान पहुंचाने लगा। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो सिरे हैं, कोई की चेहरे राक्षसी तैयार हो रहे हैं, रावण संप्रदाय से तैयार हो रहे हैं, और कोई के चेहरे देवताई तैयार हो रहे हैं। जो राक्षसी चेहरे हैं और उनका जो गढ़ है वहां भी ऐसे तत्व घुसे हुए हैं जो उनका खुद ही विनाश कर देंगे। इसलिए रामायण में और शास्त्रों में दिखाते हैं कि अंत में असुर आपस में ही लड़ करके खलास हो गए। बाबा भी कहते हैं पांडवों को लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है, पांडव लड़ाई नहीं लड़ते, युद्ध नहीं करते, लड़ाई कौन लड़ते हैं? यादव और कौरव। ये यवन लड़ाई लड़ेंगे कौरवों के साथ, ये असुर असुर ही आपस में भिड़ जाएंगे और तुमको मक्खन मिल जाएगा। मम्मा का संदेश आया था, हाँ, उसमें एक वाक्य आता है कि बाबा को दादी पर बहुत मीठी प्यार लगता है, ऐसा बोल के छोड़ दिया है। बाबा को दादी से बहुत प्यार है। तो मुरलियों में ही बोलते थे, इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारका की, तो कौन खातिरी करता था? खातिरी करने वाला यज्ञ में उस समय कौन था, किया कौन था?
ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा जो कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, क्रिश्चियंस लोग जो है वो विशेष रूप से कौन कौन से जानवरों की पालना करते हैं? कुत्ता और बिल्ली की, उनका विशेष प्यार था। से बनता है चंद्रवंश और राम से बनता है सूर्यवंश। चंद्रवंश है त्रेता में गाया हुआ है, कलाएं कम हो गई त्रेता के बाद, फिर कौन सा युग शुरू होता है, कौन सा वंश शुरू होता है? इस्लाम वंश शुरू होता है। शोर भाव भाइयों में और कन्याओं माताओं में कुमार का दादी बाबा को सबसे जास्ती प्रिय बच्चे थे, और वो खुद भी समझते थे कि मम्मा बाबा की गद्दी नशीना हम ही बनेंगे। यहाँ ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में रहते हुए भी वो गद्दी नशीन थे मम्मा बाबा के बाद। और जो नई दुनिया सतयुग आवेगा उसमें भी वो, उन्होंने यहाँ शूटिंग कर ली, वहां भी जाकर के सेकंड नारायण नारायण ही बने। राजा होता है वो सबसे जास्ती राज्य में किसकी खातिर करता है? कोई भी राजा होता है, जो भी राज्य है उस राज्य में सबसे जास्ती खातिरी किसकी करता है? है? प्रिंस ऑफ प्रिंसेस की। जो उनका युवराज होता है, राजकुमार और राजकुमारी होती है, उनकी सबसे जास्ती खातिरी करता है ना, उनकी सबसे जास्ती पूर्ति करता है। शूटिंग यहाँ होती है, मम्मा में और दादी में बहुत फर्क था। कंपटीशन क्यों नहीं हुआ? नहीं, यहाँ भी जब स्कूल में थे भी जब भी कंपटीशन था उसके शरीर छोड़ने के बाद भी, उस समय कंपटीशन देखने में नहीं आता था क्योंकि मम्मा ज्यादा भारी पड़ती थी। जो मम्मा के फॉलोअर्स थे वो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद या कि छोड़ करके ही चले गए। मम्मा तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, मैं ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथन किसका चलता था? मम्मा का ही तो चलता था। वो जिसको याद करती थी उसका जो हाल होता है वो उनका हाल होगा। उन्होंने साकार रूप में भगवान के रूप में किसको याद किया? गीता का भगवान के रूप में किसको माना? जो उनकी गति होगी वही उनकी गति होगी।
उनको प्रवेश करके पाठ बजाना है तो उनको भी प्रवेश करके पाठ बजाना है। अंतर सिर्फ ये होगा कि उनकी प्रवेशता का फील होगा। दूसरा वंश ब्रह्मा जैसी आत्माओं का या मम्मा जैसी आत्माओं का, कुमार का दादी का प्रवेश करने का जो फील्ड है वो होगा जो यहाँ उनको फॉलो करते थे बंदा करके, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना। कुमार का दादी की जो बात मानने के लिए बाध्य थे, पक्की उनकी प्रजा थे, उसी के बीच में वो फील्ड में काम करेंगे। इसलिए संदेश में बता दिया कि दादी ने शरीर छोड़ा, 10-12 दिन तक बाबा के साथ रहेंगी, फिर बाबा उनको अपने फील्ड में भेज देंगे। तो दादी का फील्ड अलग, ब्रह्मा बाबा का फील्ड अलग, मम्मा का फील्ड ही अलग। मम्मा को जो विशेष पाठ बजाना है वो विजयमाला के अंदर बजाना है। ब्रह्मा बाबा इसी शरीर में प्रवेश करके ज्ञान शरीर एडवांस ज्ञान को लेता है बाबा इसी में प्रवेश करके ज्ञान एडवांस ज्ञान को सुनता है। किसमें प्रवेश करके? राम की सोल में प्रवेश। हाँ जी, तो उसी तरह मम्मा की सोल ज्ञान कैसे लेती है एडवांस नॉलेज? मम्मा की सोल अभी नहीं लेती है एडवांस नॉलेज, क्योंकि जो जिसका घोड़ा होता है वो उसी में प्रवेश कर सकता है। मम्मा चाहे एडवांस के रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश कर जाए, ये नहीं हो सकता। मम्मा का फील्ड है विजयमाला में और ब्रह्मा बाबा का फील्ड है रुद्रमाला में, प्लानिंग पार्टी में। मनन चिंतन करती थी ना, तो उसका नाम ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। तो एडवांस नॉलेज पहले नहीं देती है? एडवांस नॉलेज पहले नहीं देती थी? एडवांस नॉलेज पहले क्यों नहीं देती है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी है जो जिनका मनन चिंतन ज्यादा चलता है, जिनका कट उतरा है तो डायरेक्ट बात से ज्ञान। असली ज्ञानी वो है जो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाए, या असली ज्ञानी वो है जो बोल बोल करके दिखाए? असली ज्ञानी कौन है? बेसिक नॉलेज का तंत्र धारण किया मम्मा ने। तंत्र है प्योरिटी, परंतु शरीर नहीं रहा। शरीर बीच में ही छूट गया, इसलिए पूरी प्राप्ति नहीं कर पाती। लेकिन मम्मा की सोल दोनों में प्रवेश करती है, जगदम्बा में भी प्रवेश करेगी और जो छोटी माया है वो भी। नहीं, जगदम्बा वास्तव में तुम्हारी ये ब्रह्मा है। वास्तव में जगदम्बा ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, वास्तव में। तो जो मूर्ति बनी हुई है जगदम्बा की, वो कोई दूसरी आत्मा का शरीर है? हैं? हाँ जी, वास्तव में जगत की माँ का पार्ट, सहनशीलता का पार्ट ब्रह्मा ने बजाया, या दुनिया में कोई और आत्मा है जिसने इतनी सहन शक्ति का पार्ट बजाया? ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा नहीं बजाया। तो ब्रह्मा वास्तव में हमारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए माताओं की जाट में उनको नहीं रखा जा सकता था। माता के रूप में जो माता स्वर्ग का गेट खोले, उस रूप में उनकी मान्यता नहीं है, पूजा नहीं है,
फिर वही आत्मा जब किसी माता के तन में प्रवेश करती है तो जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है। पूजनीय आत्मा बनती है या शरीर बनता है? है? आत्मा गुणों को धारण करती है, आत्मा पवित्रता को धारण करती है, तो पवित्रता ही पूजी जाती है। Thank you.